नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंतर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जो ज़्यादातर किसान हमारे पास कमेंट कर रहे थे, हमसे बोल रहे थे कि भाई साहब आप ये बताएं, इसका वीडियो बनाएं कि मशीन सीडिल हमारी जो है उसकी चेन कैसे टाइट की जाती है, जब ये चेन थोड़ा सा चल चल के लूज हो जाती है तो इसको कैसे टाइट करनी है, आप उसका वीडियो हमें बना के पहुँचाएँ ताकि हम उसको कर सकें घर पर। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को कमेंट में भी बताया तो कुछ को समझ में आया है, कुछ लोगों को नहीं आया, इस वजह से हम आपको आज लाइव बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और मैं फ़िलहाल अभी आपको जो चेन टाइट करने बता रहा हूँ वो ये फ़िलहाल अभी आपके सामने जो है वो 11 वाली मशीन है। तो इसमें क्या है कि 4 चिमटे लगे हुए हैं इस पत्ती के साथ, आप देख सकते हैं, एक ये लगा है, एक यहाँ लगा है और 2 वो वहाँ लगे हैं। तो आपको बिल्कुल गौर से देखना है दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पता पड़ेगा एक तरफ से कम ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो आपकी मशीन सही चल नहीं पाएगी। तो दोस्तों सबसे वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं इसी तरीके के जो नए कृषि यंत्र की वीडियो, जो भी नए नए कृषि यंत्र बनता है उसके वीडियो, और आपको कोई चीज़ की कोई दिक्कत आ रही है, सीडिल बखर बोनी मशीन कल्टीवेटर पुलाव वगैरह हर चीज़ में, उसकी जानकारी मैं आपको डालता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिससे क्या है, आपकी जो सीडिल है उसके अंदर आपको चेन कैसे टाइट करनी है, ये आपको विशेष ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये जो बोल्ट लगा है, दोस्तों ये जो बोल्ट लगा हुआ है ये लगा है एस पत्ती में, इसको बोला जाता है एस पत्ती। इस एस पत्ती को आपकी जब चेन ढीली है ये वाला बोल्ट आपको खोल लेना है, यहाँ से खोल के बाहर निकाल लेना है। दूसरी बात, ये बोल्ट खोल के आपको बाहर कर लिया आपने, और इस एस पत्ती के ऊपर वाला होल, ये वाला जो होल है इसके अंदर आपको, और इसका ये जो नीचे वाला होल है, ये जो देख रहे हैं आप, इसका जो नीचे वाला होल है इसके अंदर आपको ये बोल्ट लगा देना है यहाँ पे। इसका ऊपर वाला होल है आपका एस पत्ती का, और जो सीडिल का जो चिमटा रहता है, ये जो चिमटा लगा हुआ है इसका आगे वाला होल, इसके अंदर आपको ये बोल्ट लगा के यहाँ पे और इसको टाइट करना है। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी यही करनी है कि इसका ऊपर वाला एस पत्ती का ऊपर वाला होल और जो चिमटा लगा है, चिमटे की जो पत्ती का होल है वो जो जिसमें लगा है उसी में लगा है, तो विशेषकर आपको यहाँ पे इस वाले होल में इसको कस देना है। तो ये जो 2 चिमटे आपके ये हो गए और 2 चिमटे आपके ये वाले हो गए, और इससे क्या होगा, आप जब ये खोल के इसको पीछे कर देंगे तो ये चेन ऑटोमेटिकली आपकी टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सीडिल में कोई बात की दिक्कत आएगी नहीं। तो दोस्तों ये आपको मैंने बताया है कि 11 वाली सीडिल की कैसे चेन टाइट की जाती है। अब मैं दोस्तों आपको सेम कंडीशन यही बता रहा हूँ 9 वाली सीडिल के। तो दोस्तों मैं चलता हूँ आपके लिए 9 दांते वाली जो सीडिल होती है उसके पास। दोस्तों आपके सामने ये पेस है 9 वाली सीडिल, इसमें 9 कप सेट लगे हैं इसलिए हम इसको 9 वाली सीडिल बोलते हैं। और दोस्तों आपकी जो सीडिल है वो 9 वाली है, 11 वाली है, 13 वाली है, 15 वाली है, 17 वाली है, सभी सीडिलों के अंदर आपको करना यही है। ये जो फिलहाल 9 वाली है, इस चिमटे की जो एस पत्ती रहती है, ये वाली जो एस पत्ती रहती है इसका सबसे ऊपर वाला होल और इस चिमटे का सबसे नीचे वाला होल, ये वाला इसका सबसे नीचे वाला होल और एस पत्ती का ऊपर वाला होल, पेटी को इस तरीके से पीछे की तरफ पहले आप खोल लें दोनों बोल्टों को, उसको और इस बोल्ट को, दोनों को खोल के आपको पेटी को पीछे की तरफ पुश करना है, पीछे की तरफ धकाना है और इन बोल्टों के अंदर, इस छेद के अंदर आपको ये बोल्ट डाल देने हैं। आपकी 9 वाली हो, 11 वाली हो, 13 वाली हो, 15 वाली हो, 17 वाली हो, कोई सी भी सीडिल हो, उसकी चेन ये टाइट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप बताएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम क्या इसी तरीके के नए नए जो कृषि यंत्र रहते हैं उनकी जानकारी देते हैं, ये सब आपको उससे रूबरू कराने के लिए हम ये सब चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों आपको ये किस तरीके की हमारी जो हमने आपको जो ट्रिक बताई है कैसी लगी, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी भी प्रकार की समस्या, कोई दिक्कत परेशानी आती किसी भी प्रकार की मशीन में, सीडिल में, किसी भी कंपनी की हो तो आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो शूट करके आपको डाल देंगे। धन्यवाद।